गल कर रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री दे रद्द होए दौरे दी ते उसनू लेके उठ रहे सवालां दी ते हुण फिर भाजपा वालों एक वीडियो सांझी कीती गई है जिस राही भाजपा ने रैली रद्द होने नू लेके कई गंभीर सवाल चुके ने। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफिला जो कि फिरोजपुर PM नरेंद्र मोदी का विरोध करने जा रहा है। गंदी सरकार मोदी करके मोदी पुछण रैली ना होने करके सारे योधे भी सुझात सिंह अभी मोदी की रैली नहीं होने देनी भावे सानू अपनी जाना कुर्बान करनी पै जा चर इन्ह दिन रैलियां होंगे रैलियां से अं विरोधता करते हैं तो जिते भी हो रैली ये दिखा वजो रोकया गया किसी को किसी भी मैसेज नहीं किया गया ते फिर प्रदर्शनकारियों राज घुसा दिता गया। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री के काफिले नूं इंतजार करना पिया। प्रधानमंत्री की इस काफिले की मुख्यमंत्री दे नाल गलबात भी नहीं हो सकी। जे काफिला अगे वधदा तां की हुंदा इह सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साडे सहयोगी अनमोल गुलाटी जुड़े हुए हैं साडे नाल। अनमोल जो सवाल उठ रहे ने जाहिर तौर पर आने वाले समय की स्थिति उस दे नाल गंभीर जाप रही है पहले जिस तरीके एलीगेशन लाए जा रहे थे कि हम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जेकर रैली रुकी जेकर PM कन्वाय रोकया गया तो वो जे साजिश जी की गई सी खालिस्तानियों का भी जरा की है हाथ जताया जा रहा है ये भी जो की है आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेसिया वालों क्योंकि पहले ही एलीगेशन जो लाए जा रहे हैं कांग्रेस वालों एक पूरी जी की है साजिश अंजाम दिता गया कहा जाए जिस तरीके वीडियो रिलीज हुई है जरा मसला सी कल का फिरोजपुर वाला उसनों लैके सियासत हुण बिल्कुल ज्यादा काफी ज्यादा भखदी हुई नजर आ रही है क्योंकि भाजपा वालों सीधे तौर पर यह कहा गया कि जेकर किसान उत्थे मौजूद सके तो हुण वह किसकी सपोर्ट नाल किसकी शह नाल मौजूद सके जेकर उत्थे प्रदर्शनकारियों ने राह रोकया तो उहदे विच कौन कौन शामिल सके तो इस तो अगे की कुछ हो सकता सीगा क्योंकि इहदे उत्ते सवाल जिहड़ा कि सीधे तौर पर जिहड़े अरेंजमेंट्स ने जिहड़े लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके उत्ते चके जा रहे हैं तो जरूर कहा जाए कि भाजपा इस वक्त पूरी तरीके दे नाल कांग्रेस नू सूबा सरकार नू टारगेट करदी हुई नजर आ रही है। भाजपा विधायक करुण नारंग जुड़ चुके ने साडे नाल। नारंग साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। धन्यवाद जी स्वागत है। नारंग साहब अज भाजपा के वफद ने भी मुलाकात करनी है राजपाल दे नाल की कुछ मंग राजपाल को रखी जाएगी की कुछ शिकायत की जाएगी। शिकायत तो सारे सामने है जी जो कल होया जी असि फिरोजपुर साडी रैली गई है पुलिस ने रोक के पुलिस ने जान बुझ के साडी जीपां नूं अगे नहीं जाण दित्ता साडी जिहड़ी बसिस नूं अगे नहीं जाण दित्ता साडे लोग उत्थे बैरियर ते उत्थे खड़े रहे फिरोजपुर के बॉर्डर ते बाहरले पासे उत्थे इह सारी मिली भगत सीगी बिलकुल जान नहीं दित्ता किसे ने रोकिया गया सारिआं नूं ते फिर उस तों बाद जो प्रधानमंत्री जी नाल होया जो जिहड़ी सरकार प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं कर सकती प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकती उन्हां नूं इत्थे रहण का हक की है उन्हां नूं इस सरकार नूं बर्खास्त करना चाहिए। फिर चन्नी साहब जिस ढंग नाल चन्नी साहब बयान दे रहे हैं बड़े शर्म की गल है एक CM स्टेट का देश के प्रधानमंत्री वास्ते इस तरह बोले भी उत्थे बिल्कुल सही सीगा जी सारा कुछ ठीक सीगा जी तो जान बुझ के वापस होए दसो कमाल ये कोई स्टेट की सरकार है CM का बयान है ये तो बच्चा बच्चा देखी जाता जानी जाता है भी देश का एडा वा प्रधानमंत्री का कद कि एक प्रधानमंत्री एक नंबर 1 का बंदा उनके बारे इस तरह के बयान देने फिर उन्होंने सेफ पैसे ही नहीं देना जो प्रोटोकॉल कम से कम वो फॉलो तो करो। बिल्कुल नारंग साहब जाहिर तौर पर कोताही कित ना कित हुई है इस नूं लैके नाराजगी भी लगातार भाजपा दे विच वेखण नूं मिल रही तुसीं भी बने हुए हो साडे नाल इस चर्चा दे विच साडे नाल कांग्रेस तों विधायक कुलदीप सिंह वैद भी जुड़ चुके ने। वैद साहब बहुत स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते।
वैद साहब मानते हो कि कितना ना कितने कुताही तो रही है। नारंग साहब साढ़े नाल जुड़े हुए ने, कह रहे ने एटलीस्ट एक प्रोटोकॉल हुंदा है जदों प्रधानमंत्री किसी भी सूबे दे विच जांदे ने, उह प्रोटोकॉल भी पंजाब सरकार ने फॉलो नहीं किया। देखो मैं एक गल इतने पंजाब के लोगों कल दे असी कहण लगे होए आ, हिंदुस्तान के लोगों ने भी राती मैं नैशनल टैलीविजन से कहा, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जिहड़े बीजेपी के लीडर ने यह बहुत वड्डियां वड्डियां स्टेटमेंट दे के साडियां जिहड़ियां भावनावां ने उन्हां नूं भड़काउंदे आ। मैं पहली गल इन्हां दसना चाहना कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर साढ़े वास्ते बहुत वड्डा जिन्हों कह लो रिस्पैक्टेबल हुंदा है। श्री नरेंद्र मोदी जी साढ़े हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहला ने, बीजेपी के लीडर बाद विच ने। ये गल कह देनी कुताही हुई, प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, ब्लू बुक नू एज इट इज फॉलो किया गया। नारंग साहब नू मैनू नहीं पता कि पता कि नहीं पता कि ब्लू बुक की हुंदी है। ब्लू बुक बुक दे विच प्राइम मिनिस्टर जां जिन्ने होर भी साढ़े वीवीआईपी ने उन्हां दी सिक्योरिटी दा उन्हां दे सारे सिस्टम दा प्रोटोकॉल लिखिया होया, उहदे मुताबक ही सारा कुछ होया। जिदां सरदार चरणजीत सिंह चन्नी होरां ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर दा इह जिहड़ा रूट बनिया इह मतलब कि इट वॉज नॉट शड्यूल्ड, शड्यूल्ड नहीं थी, उन्होंने हैलीकॉप्टर चाहना थी। मैं इतने एक गल दसनी चाहना, पर एक घंटा 45 मिनट सड़क से हो सी जिस तो बाद उन्होंने राह रोकया गया। बीबा ये गल बिल्कुल दुरुस्त है, क्लीयरेंस सी जिहड़े साडे किसान वीर सी पहला भी धरने से उत्थे बैठे सीगे, ये बिल्कुल दुरुस्त है, इहदे च कोई दो रावां नहीं है, रूट क्लीयर किया गया सीगा। दूसरी गल मैं एक होर तुहानूं इत्थे दसनी चाहना कि बीजेपी के जिन्हां लीडर ने यह प्रोग्राम उलीकिया सी, सब तो पहला तो मैं उन्होंने जिम्मेवारी फिक्स फिक्स करदा। अज के जमाने दे विच साडे कोले हर इंसान कोले स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के उत्ते वैदर रिपोर्ट आती है। सानू पहला पता सी, ये 3 दिन पहला मेरे वड्डे बेटे ने मैनू कहा कि पापा यह बीजेपी वाले रैली करवाउण जा रहे हैं, वैदर तो बहुत खराब है एंड 4-5 दिन अपनी बारिश है। मैं ये दावे नाल कहना, ये कह देना शायद इन्हें चंगा ना लगे, मैं कहना कि बीजेपी की रैली के भी 10-20-25 हज़ार बंदा आ सकता है, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम सी, बारिश पै रही थी, उत्थे कट भी नहीं होना सीगा, इन्हां नूं भी पता सी पहला तो उन्हां दी जिम्मेवारी बीजेपी फिक्स करे जिन्होंने यह प्रोग्राम लीकिया। ये पता होने के बावजूद के प्राइम मिनिस्टर आ रहा है सर, ये सब कह के कि सूबा सरकार अपनी जिम्मेवारी तो भज सकती है, जे रूट क्लीयरेंस दिता गया सी ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ? ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਮੁਤਲਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। मैं आप एक IAS अफसर रहा, मैं ब्लू बुक पढ़ी है, बड़ी बारी प्राइम मिनिस्टर दे असी जां प्रेजिडेंट साहब दे असी प्रोग्राम करवाए ने। यह बिल्कुल दुरुस्त है कि रूट बिल्कुल 100% क्लीयर होना चाहिए, कितने ना कितने कुताही हुई है। मैं तुसी पूरी नहीं ना मेरी गल सुन दे, SSP नूं उत्थे सस्पेंड किया गया, क्यों किया गया? लेकिन मैनू सख्त इतराज है तुहाडे चैनल दे एंकरां ते ते बीजेपी दे लीडरां ते, हिंदुस्तान नूं लड़ाउण दी कोई कसर नहीं छड्डदे। राती हर चैनल ने एड्डी तिखी भाषा वरती, मैं उहनां नूं कहा ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨਰੇਬਲ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੱਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੱਲ ਬੀਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ।
चर्चा इस गल ते होनी चाहीदी सी वी प्रधानमंत्री दी रैली च लोक क्यों नहीं आए, किसान मजदूर उन्हां दा विरोध क्यों करदे आ। पर भाजपा की अज की गल नहीं हैगी, फिरकू पत्ता पहलों तो खेडदे आ। जदों प्रधानमंत्री जी ने तीन खेती कानून वापस लए, उदन यह कहा कि किसानां नूं कुछ किसानां नूं मना नहीं सके, असीं खेती कानून वापस लै रहे। उदन किसान कहा, उदों पहलों खालिस्तानी कहा, उदों पहलों माओवादी कहा, चीन वाले कहा, पाकिस्तान वाले कहा। हुण मौका मिल गया कि फिर हिंदू सिख का फिरकू पत्ता खेडो। असीं पंजाबी आ, साढ़े गुरुआं दा काल आ, पंजाब हिंदू का ना मुसलमान का, सांझीवालता दे भाईचार क्या, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे, मानस की जात सबे एक ही पता। बिल्कुल ठीक है पंडित साहब, पर जो कल वापरिया तुसी उसकी निंदा करोगे? देखो देखो उत्ते किसानां ने जे मैं तो एक गल कहना कि साढ़े 700 तो वध किसान शहीद होए आ। प्रधानमंत्री जी ने एक टिप्पणी नहीं की थी कि भाजपा निंदा करूगी उसकी। तीन मेहमान साढ़े नाल जुड़े, चर्चा भी की, बहुत शुक्रिया तिना का साढ़े नाल जुड़ने के लिए।